व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि सारे फेस्टिवल बैक टू बैक आ रहे हैं और हमें कोई डिफरेंट लुक्स करने होते हैं हर फेस्टिवल पे, और आज का जो मेकअप लुक है ना, हर स्किन टोन पे सूट करने वाला है। चाहे आप कैसे भी स्किन टोन के हो, हर स्किन टोन पे ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और इसलिए मैं फ्रिक्वेंटली मेकअप वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ ताकि आप घर बैठे ना अपना बढ़िया से बढ़िया मेकअप कर सको, आपको सैलून या पार्लर जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए आज का जो मेकअप लुक है ना, मैंने बहुत सारे मेकअप के साथ नहीं किया है, लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है, बिल्कुल बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ किया है। और सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो अफोर्डेबल है, एक प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ अफोर्डेबल है। अगर आप सोच रहे हो कि ये वाले इयररिंग्स मैंने कहाँ से लिए हैं, तो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने ऑनलाइन खरीदे थे, आपको फ्लिपकार्ट पे और भी शॉपिंग वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप चाहो ना तो स्टोर 99, अगर आपके घर के आसपास हो तो स्टोर 99 में भी ये पीस अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वहाँ से सिर्फ 100 रुपये में मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन खरीदोगे तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन फिर भी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। कभी कभी ये कॉम्बो में भी आ जाते हैं, तो आप ले लेना, क्योंकि इनके जो रिव्यूज है ना, मैं अलग से करूंगी। सारे अपने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मैंने अभी रिसेंटली बाय की है, तो इनका भी रिव्यू वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगी। तो अभी मैं डिटेल में इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तो ये वाला मेकअप लुक अगर आप देखना चाहते हो, कि एज यूजुअल अपने फेस पे मेकअप लगाने से पहले मैंने अपने फेस पे ना अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया है, और अब मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर लगाना बहुत जरूरी होता है अगर आपको अपना फेस का मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चाहिए और अपने पोर्स को ब्लर करना है ताकि फाउंडेशन आपके पोर्स में ना चला जाए, तो इसलिए प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका बेस है ना एकदम बिल्कुल स्मूथ दिखेगा। अब मैं अपने फेस पे जो मेरे डार्कनेस है ना, जहाँ जहाँ पर, वहाँ पे मैं पीच कलर करेक्टर लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, जो डार्कनेस है ना वो कैंसिल आउट करने के लिए हम पीच कलर करेक्टर का यूज़ करते हैं। और अगर आपके फेस पे ज़्यादा डार्क पिगमेंटेशन है ना, तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर लगाओ। अब यहाँ पे मैंने ब्रश की हेल्प से ना अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, बहुत ज़्यादा टाइटली ब्लेंड नहीं करना वरना ऑरेंज कलर जो है वो छूट जाएगा। अब मैं यहाँ पे मेबलिन का फिट मी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, मेरा शेड है मीडियम। अब मैं यहाँ पर उसको अच्छे से लगा लूँगी, जहाँ मेरे डार्क सर्कल से, जहाँ भी मेरे को डार्क पैचेस थे ना, उसी के ऊपर मैं लगा लूँगी। अब इसको लाइट हैंड्स के साथ मैं ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे मैं आज फाउंडेशन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आज हम सिंपल सिर्फ यही बेस हम बनाएंगे, और जितना भी रेजिड्यू इसमें है ब्रश में वो सारा हम अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेंगे। अपने अंडर आई और अपर लिड पे ब्लेंड करने के बाद जितना भी बचा हुआ होगा ना, वो आपको ब्रश में पूरे फेस पे ही लगा लेना है, एक्स्ट्रा आपको प्रोडक्ट और नहीं लेना है। इससे क्या होगा, हमारा जो बेस होगा ना वो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा और लाइट सा बेस बनेगा बिल्कुल। देखो गर्ल्स, अगर तुम लोग ब्लेंडिंग करने के लिए ब्रश का यूज़ कर रहे हो ना, तो ब्रश के बाद ना एक बारी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ना उसको फिनिश दे दो। इससे क्या होता है, जो अगर ब्रश के साथ जो स्ट्रिक्स पड़ जाती है ना, तो ब्यूटी ब्लेंडर से वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो एक बार ये ट्रिक फॉलो करना, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। और यहाँ पे मैं ना अपने बेस को सेट करने के लिए मैक का स्टूडियो फिक्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी आपके पास जो लूज पाउडर हो या आपका कोई कॉम्पैक्ट हो, आप वो भी उससे भी अपना बेस सेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वही यूज़ आप भी करो, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हो ना उनसे भी ये मेकअप लुक अचीव किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल है। तो हमने यहाँ पे फाउंडेशन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। अब हमने क्या करा, बेस को सेट करने के बाद ना, अब यहाँ पे मैं अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए ना लाइट कलर का पाउडर ले रही हूँ। ये 3 से 4 शेड लाइट है मेरी स्किन टोन से। इससे क्या होगा, अंडर आई लाइट भी हो जाएंगी, और क्या होगा कि मतलब जो भी मेरे आई शेडो करते वक्त जो फॉलआउट्स होंगे ना, वो इस पे पाउडर पे गिरेंगे, और इससे हमारा बेस भी ख़राब नहीं होगा, बाद में हम इसको डस्ट ऑफ कर देंगे। तो आई शेडो लगाने से पहले ना जो क्रीज बन जाती है ना कंसीलर की, उसको आप फिंगर से ब्लेंड कर दो, उसके बाद आई शेडो लगाना, ठीक है। और ब्रश को ना बहुत लाइट, Thank you.
और सॉफ्ट स्मोकी आइज लग रही है बहुत ज़्यादा इसमें, टिपिकली कुछ नहीं करना आपको इसमें। अब मैं यहाँ पर हिलारी रोडा की ना आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ, ब्लैक और ब्राउन मिक्स करके भी मैं लगा लेती हूँ कभी कभी। और इस पैलेट का अगर रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पे देख लेना, इंडिविजुअल रिव्यू दिया हुआ है इसके बारे में डिटेल में। अगर अफोर्डेबल में कोई आईब्रो पैलेट देख रहे हो ना तो ये पैलेट अच्छी है, और बाकी डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो चेक कर लेना। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मेकअप लुक में ना आपका आईब्रोज अगर आपने नहीं किया ना तो आपका मेकअप लुक बिल्कुल अधूरा सा लगेगा, और बिल्कुल मतलब एक अच्छा सा लुक ही नहीं आएगा अगर आपने आईब्रोज फिल इन नहीं करी है। तो इसलिए मेकअप लुक के साथ आप आईब्रोज फिल इन ज़रूर करो, तभी बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब मैं अपनी लैशेस को ना कर्ल करने के लिए यहाँ पर मैं लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर फेक लैशेस का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और यहाँ पे है मेरे पास लॉरियल लैश पैराडाइज का मस्कारा, ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है और सुपर लॉन्ग लास्टिंग है, इजीली रिमूव भी नहीं होता, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है जो चीज़ ईजिली निकले नहीं, तो यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मैंने फेक लैशेस का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है। अब मैं ये जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर था ना वो मैंने सारा पाउडर डस्ट ऑफ कर दिया है, अब हम कोई पाउडर नहीं लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर सिवाना का ट्रायो पैलेट है ना, ये इसमें से कंटोर शेड लेके मैं लाइट कंटोरिंग यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं बहुत ज़्यादा अपने फेस पे ना हार्श कंटोरिंग नहीं करती, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा चबी नहीं है। अगर आपका फेस पे रिक्वायरमेंट हो कि बहुत ज़्यादा चबीनेस है तो आपके फेस पे हार्श कंटोरिंग की ज़रूरत है, थोड़ी मतलब शार्प कंटोरिंग की ज़रूरत है, लेकिन मेरे फेस पे इतना नहीं लगती है तो मुझे लाइट कंटोरिंग से काम चल जाता है। अब यहाँ पे मैं सिवाना का ही यहाँ पे पीच ब्लश ले रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो शेड्स मतलब जैसे अब मैंने वार्म मेकअप कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने ब्राउन पीची ब्राउन मेकअप किया है ना यहाँ पर आईज़ का, तो यहाँ पर मैं मिलता जुलता ही मैंने मतलब ब्लश यूज़ किया है। यहाँ पे मैं सिवाना का ये पीच कलर का ब्लश है तो वही यूज़ कर रही हूँ। तो ब्लश आप वही यूज़ करें जैसा आपका मेकअप होगा ना, जिस टोन में, जैसे मेरा वार्म टोन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है तो मैंने वार्म टोन का ब्लश ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ये हाइलाइटर है वो ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे इसमें तीन शेड्स हैं, तीनों शेड को मिक्स करके और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फेस के हाई पॉइंट्स के ऊपर ही यहाँ पर हाइलाइटर लगा रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाइलाइटर बहुत ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा लगा लोगे ना तो फेस बिल्कुल प्लास्टिक जैसा लगने लगता है, तो वो फेक सा लगता है, अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। इसलिए इतना लगाओ कि नेचुरल ग्लो लगे। अब यहाँ पे ब्राउ बोन पे ही मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लिया, इससे क्या होता है आँखों का जो लुक होता है ना और ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है ब्राउ बोन पे हाइलाइटर लगाने से, कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ लगाना। अब यहाँ पे आईज़ के कॉर्नर पे मैंने हाइलाइटर थोड़ा सा लगाया है। यहाँ पे मैं मिस क्लेयर की लिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, मेरा शेड है ये ब्राउन में मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा लिपस्टिक लगाने से पहले ना लिप लाइन ज़रूर करो अगर आपको मतलब अच्छी सी फिनिश चाहिए तो। अगर आप बुलेट लिपस्टिक लगा रहे हो ना, मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक, तो अगर आप लिप लाइन नहीं करोगे ना मैट लिप लाइनर से तो क्या होता है लिपस्टिक ब्लीड करने लगती है। तो अगर आप इस तरह से किसी मैट लिप लाइनर से अच्छे से लिप लाइन कर लोगे ना तो लिपस्टिक आपकी ब्लीड नहीं होगी अगर आप मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक लगा रहे हो। तो यहाँ पे मैं कैरेमल मार्गरेटा शेड है नायका सो मैट कलेक्शन से, तो ये वाला जो शेड है ना ये पीची ब्राउन शेड है और काफ़ी सुंदर शेड लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला शेड। अब की बार मैं इसका बड़ा वाला पैकेट मंगाऊंगी, ये वाला बड़ा छोटा वाला पैकेजिंग मंगाई थी मैंने इसकी, लेकिन शेड अच्छा लगा तो इस बार ही मैं बड़ी वाली मंगवाऊंगी अब इसकी। आप चाहो तो ना आप इसको ऐसे भी फिनिश कर सकते हो, मैट लुक भी रख सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा लिप्स को ग्लॉसी रखना, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं तो ग्लॉसी लिप्स अच्छे लगते हैं। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी फिनिश कर सकते हो या फिर आप मेरी तरह इस पर ग्लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पे ना ये इनसाइड कॉस्मेटिक का ग्लॉस है, और ये जो ग्लॉस है ना बड़ा ही अफोर्डेबल है, सिर्फ 80 रुपये या 90 रुपये का आता है ये। और ट्रांसपेरेंट ग्लॉस रखो अपने पास हमेशा, क्योंकि किसी भी लिपस्टिक के ऊपर टॉपअप कर सकते हो इसे। तो ग्लॉस लगाने से ना एकदम ही मतलब लुक चेंज हो जाती है बिल्कुल। आप एक बार एक फ़ोटो ग्लॉसी लिप्स का रखो, एक फ़ोटो मैट लिप्स का रखो, तो दोनों में डिफरेंस देखना, ग्लॉसी लिप्स ज़्यादा पसंद आएंगे आई एम श्योर। सो या दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करो आपको मेकअप लुक अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। जैसा भी लगता हो ना प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, बताया करो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।